आप लोग अपने अपने घरों में बिजली की व्यवस्था कर लेते हैं। पहले तेल डाल करके दीपकों की व्यवस्था की जाती थी, आजकल तेल नहीं मिलता है, विद्युत का प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं पर भगवान के लिए भी आरती काय की बिजली की अखंड दीप भी कहीं कहीं पर देखने को मिलते हैं। वो बार बार यूं करता रहता है, ये व्यवस्था है आज, बहुत अच्छी बात है। हम पूछना चाहते हैं, इस प्रकार विद्युत की परी व्यवस्था आप लोगों के घर में हो गई, मान लीजिए 2-3 मंजिला आपका भवन है और उसमें भिन्न भिन्न स्थानों पर कमरे हैं और वहाँ पर बल्ब जलाते हैं, तो रात ही जलाना पड़ता है, दिन में ही रात में, क्योंकि उसने उसको तो हमने फिटिंग करा दिया है, इसलिए ऐसा होता है, ऐसा नहीं फिर कैसा। हमने ये व्यवस्था तो ली है, लेकिन जिस समय हम जितना जलाना चाहें उतना ही जलाएंगे, ज़्यादा जलाएंगे तो ज़्यादा, हाँ ये समझे। इसलिए बच्चों को भी कह देते हैं, देखो ज़्यादा नहीं जलाते हैं, थोड़े से जला करके बंद कर दो। कभी कभी मान लो भूल से जलने लग जा, ऐसा नहीं करते, तो मैं अब पैसा ले आओ फिर भरो, हाँ हम नहीं भरेंगे, ये होता है, ये पक्का है, ये आप संयम रखते, इसके बिना चल नहीं सकता। उसी प्रकार हम पूछना चाहते हैं कि अपने यहाँ भी इस प्रकार की व्यवस्था रखी है, आप चाहें उतना ही खर्च कर सकते हैं। क्या खर्च, हम तो कषायवान हैं, है ना, हाँ किंतु कषाय है कि रात दिन कषाय करते चले जाएं, ऐसा नहीं होता। और भिन्न भिन्न क्वालिटी के भी कषाय हैं, कोई 60 वोल्टेज का रहता है, 70 का रहता है, 100 का रहता है, फिर आगे और बड़े बड़े हेलोजन जैसे हो जाते हैं। तो उसी प्रकार कषायों की भी बात है, आप सुन रहे हैं ना, मतलब की बात अच्छी लग गई, सुन लो। अब आपके पास भी कषाय बहुत प्रकार के रहते हैं, उसके किए बिना भी आपको चल सकता है, इसी को आचार्यों ने संयम मार्गनाथान कहा। 16 कषाय हैं, 4-4 अनुतान मंदिर संबंधी, अप्रत्यज्ञान प्रत्यज्ञान और संयम, लोग बिल्कुल मुखाग्रह आप लोगों को, हाँ और कितना प्रयोग करते हैं देखना है आप लोग। तो अनंतान मंदिर के हेलोजन जलाए बिना भी चल सकता है, यही समझे, और अप्रत्याख्यान का उसके बिना भी चलाए बिना जा सकता है, आप करना चाहें तो। ये दो तो आप कषाय छोड़ सकते हैं घर में रह करके भी, और आपका काम चल सकता है। फिर इसके उपरांत प्रत्याख्यान रंजन आदि के बारे में भी आप विशेष रूप से व्यवस्था से रख सकते हैं, थोड़ी सी जला करके फिर बाद में बंद भी कर सकते हैं।
व्रत नियम लेने के उपरांत इस प्रकार उस संबंधी जो कषाय अनर्थ होता है उससे हम बच सकते हैं। इससे आगे भी यदि बढ़ना चाहें तो आप ऐसा भी प्रबंध ले सकते हैं, संयम मार्गना को धारण कर सकते हैं। एक उदाहरण हम दे देते हैं, कुछ भी लाइट नहीं जल रही, बिल्कुल लाइट फिटिंग तो है आप लोगों के यहाँ लेकिन लाइट नहीं जल रही, शयन करते हैं उस समय केवल 0 वाट जलाते हैं ना, हैं जो 0 वाट कम खर्च होता है उसमें। उसी प्रकार संयम मार्गना में जो आ जाता है व्यक्ति उसके अनंतानुमंदी भी छूट जाएगी, अप्रत्याख्यान भी छूट जाएगी, प्रत्याख्यान भी छूट जाएगी, इस प्रकार ये 12 सब चले जाएंगे, मिथ्यात्व भी समाप्त हो जाएगा, समय मिथ्यात्व भी समाप्त हो जाएगा, केवल 2 ही मात्र जलते रहते हैं, एक समय प्रकृति है यह मिथ्यात्व संबंधी है और एक संजरण संबंधी, ये 2 ही रहते हैं और बाकी जितने भी 28 का मोह का परिवार है उसके बिना भी जिया जा सकता है। मुनि महाराज इस प्रकार अपने जीवन को बनाते हैं। ये हो गया संयम। अब हम पूछना चाहते हैं जिस लाइन से वह करंट आ रही होती है वहां पर आप अपनी तरफ से हेलोजन भी जलाते हैं और दूसरे और भी बल्ब जला सकते हैं, नहीं चाहें तो आप वहाँ पर 0 वाट को भी जला सकते हैं। जबरदस्ती वह करंट बाहर विद्युत आ नहीं सकते, इसी को बोलते संयम। इच्छा का निरोध करने से हम 0 वाट तक आ सकते। इस प्रकार मुनि महाराज 24 घंटा 28 के मोह अपने सत्ता में रहते हुए भी अपना निर्वाह करते रहते हैं। इसको बोलते हैं संयम, इसको बोलते हैं विवेक, इसको बोलते हैं गाढ़ श्रद्धा। कर्म हमने बांधे लेकिन हमें कर्म भोगना पड़े ऐसा कोई निश्चय नहीं, नियम नहीं। हम चाहें तो अपने वर्तमान पुरुषार्थ से संयम से इतने सारे अपव्ययों से अपने आप को बचा सकते हैं। इसी को बोलते विवेक। ये ज्ञान तत्व ज्ञान सबको रहना चाहिए। आज बहुत सारे लोग स्वाध्याय तो करते हैं लेकिन संयम के बारे में वे अपने विवेक का ज्ञान का तत्व ज्ञान का कितना उपयोग करते हैं इसके बारे में पूछा जाए तो बिल्कुल डबल शून्य है। मैं उस तत्व ज्ञान को कभी भी प्रशंसा का पात्र नहीं मानता क्योंकि यह एक रूटीन जिसको बोलते हैं एक अभ्यास जैसा हो गया है, समय मिलता है तो बैठ गए करने, ऐसा नहीं। उस स्वाध्याय का अर्थ यही है कि हम अपने समय और निर्जरा स्थानों को बढ़ाएं। जैसे आपने दुकान खोल दी तो भैया दुकान अच्छी चलनी चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, दूसरे के जो दुकान हैं उन्हीं में से ग्राहकों को बेचना चाहिए, ऐसे कर दोगे तो केस हो जाएगा, वारंट आ जाएगा, फिर क्या करना चाहिए, अच्छा माल रखना चाहिए, नहीं समझे, अपने आप ही उतर से इतना आएगा। बिल्कुल इसी प्रकार आप स्पर्धा भी करना चाहते हैं तो अपने जीवन में संयम की स्पर्धा करो, ये ज्ञान का सबसे उत्तम उपयोग माना जाएगा। इस दिशा में जैन समाज में बहुत कमियां हैं, महिलाएं बैठे रहते हैं, खाली भी रहते हैं, काम नहीं रहता, और पुरुषों के लिए भी समय काफ़ी रहता है, ऐसा नहीं कि 24 घंटे काम करते रहते हैं, करना चाहें तो कर सकते हैं, ये विवेक का काम है, ये तत्व ज्ञान का लाभ है। आप लोग इस दिशा में अवश्य सोचेंगे, वहाँ पैसा खर्च हो जाता है वहाँ पर तो आप सोच लेते हो, इसमें
कषायों के कारण जो अनर्थ बंद हो रहा है उससे बच सकते हैं, किंतु भीतर से रुचि ज्यादा नहीं होने के कारण ऐसा होता। इसलिए अगले जीवन में आपको संयम, जो कि इस समय क्षमता होते हुए भी उसका पालन नहीं करोगे तो अगले जीवन में आपको वह मारना बहुत कठिनाई से मिलेगी। बहुत कठिनाई से इसलिए आपने सदुपयोग समय का नहीं किया है, इसलिए फिर बाजार में आपकी दुकान धीरे धीरे मंदी में आएगी। मंदी समझते हो हैं? समझते हैं सब? अच्छा, ये भी आता है स्वाध्याय में है? ये स्वाध्याय में आ जाता है, आ जाता हमारा। तो वह एक दिन वहां से दुकान उठ जाएगी तो तब कैसा लगेगा? अरे भैया, हमारे पूर्वजों ने मेरे लिए इस प्रकार की कॉर्नर पर, चौपाट पर, कमानिया पर, फुमारा पर है ना, दुकान खोल दी थी, आज तो दुकान ही निकल गई। इसी प्रकार मनुष्य जीवन को आप लोगों ने प्राप्त किया है। हमें लगता है कि आप लोगों की सबकी दुकान अब अगले भाव में नहीं मिल पाएगी, ये चिंता आप लोगों को नहीं, हमें करना पड़ता। हमारे गुरुओं ने कहा है इन लोगों की बारे में भी थोड़ी चिंता किया करो। आप लोग कहते हैं ना महाराज हमारी भी चिंता रखो, तुम स्वयं तो कुछ भी चिंता नहीं करो, हम कैसे करेंगे? हमें इस प्रकार की चिंता करने से और विशेष कर्म निद्रा होती है, इसलिए हम भी करते हैं, लेकिन तब जो है अच्छा नहीं लगता। इन लोगों को मिला तो है, इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अब थोड़ी सी आंखें खोलेंगे, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। जीरो वार्ड को याद रखना है, किलो वार्ड को याद रखना है, हैं, और कमाइयों को भी याद रखना है। कहाँ पर दुकान? यह मनुष्य जीवन में बहुत अच्छे स्थान पर आपकी दुकान खुली हुई है, अच्छी दुकान चलनी चाहिए। अगले जीवन में मालूम पड़ेगा कि हमने कितनी दुकान के सही से उपयोग किया। ऐसा करूँ तीन और